वी आर गोइंग टू स्टडी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ये है ग्लास स्लैब. ग्लास स्लैब की मैंने बाउंड्री ड्रॉ की. आपकी बाउंड्री ड्रॉ करते हुए आपकी पेंसिल जो है वो बिल्कुल शार्प होनी चाहिए. बाउंड्री क्यों ड्रॉ की? ताकि प्रैक्टिकल के दौरान अगर ग्लास स्लैब किसी वजह से हिल जाए तो मैं उसको दोबारा अपनी प्लेस पे रख सकूं. बाउंड्री आ गई. इसके ऊपर आप कोई सी इंसिडेंट रे एक पॉइंट ले लें, उसके ऊपर कोई सी इंसिडेंट रे लगा लें. लेट्स सपोज ये इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है. आपको पता है इंसिडेंट रे कैसे ड्रॉ करते हैं. इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है. आपने इस ग्लास स्लैब को दोबारा इस जगह पे रखना है. इंसिडेंट रे के ऊपर आप दो कॉमन पिन लगाएंगे. कॉमन पिन आप कैसे लगाते होते हैं? बिल्कुल स्ट्रेट. कोशिश करते हैं कि उसकी बेस चेंज ना हो. ये कॉमन पिन मेरी दूसरी लग गई. डिस्टेंस होना चाहिए इनका आपस में एटलीस्ट 2 इंच और मोर देन 2 इंच. ये बिल्कुल लाइन को, ये बिल्कुल लाइन के ऊपर आनी चाहिए. अब हम क्या करेंगे? अब हम गिलास स्लैब की दूसरी साइड से इन पिंस का इमेज देखेंगे और उनकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हम दो पिंस और लगाएंगे. इस तरह पिंस लगाएंगे कि वो उसके अंदर पहले वाली पिंस जो है उसके अंदर हाइड हो जाए. ये देखिएगा, मैं इनकी पिंस की स्ट्रेट लाइन में लगाऊंगा. इसको थोड़ा सा आप इस साइड पे कर सकते हैं. ये मुझे पिंस इसकी इस बेस से नजर आ रही है. यहां पे वो स्ट्रेट नजर आएगी. आप याद रखिएगा पैरेलेक्स एरर नहीं करना. आपने आई को बिल्कुल एंगल में रखना है वहां पे. यहां मुझे स्ट्रेट नजर आएगी उनकी बिल्कुल सीधी लाइन के अंदर मैं ये पिन लगा दूंगा. आपने लास्ट टाइम ये पिन लगाने का एक्सपेरिमेंट किया था, कहां किया था? कहां किया था? प्लेन मिरर पे. आप ऊपर से नहीं देखना इनको, इनका इमेज इसकी इस साइड से देखना है. ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन में लग गई. मेरी वर्किंग, प्रैक्टिकल वर्किंग मेरी कंप्लीट हो गई. वैसे तो रे ऑफ लाइट होनी चाहिए थी. अगर रे ऑफ लाइट ना हो तो हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को कैसे स्टडी करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल पिंस. ओके, आपके पेपर में अब क्या होना है? आपके पेपर में ध्यान से ऐसे मार्क होने हैं पिंस के पॉइंट्स और आपसे कहा जाना है कि इस फिगर को कंप्लीट करें. क्लियर? कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये इमरजेंट रे बन जाएगी. इमरजेंट रे जो बाहर निकलने वाली होती है, ये इमरजेंट रे बन गई. ठीक हो गया? इन दोनों को आपस में मिला दें. ये आपकी डायग्राम कंप्लीट हो गई. मेरी जो वॉल पेन है इसकी जो शार्पनेस है वो कम है. हमने यहाँ पे पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है. मुझे नेम प्रोटेक्टर नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हमें स्ट्रेट लाइन लगानी होगी इस साइड के ऊपर. इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है 90 डिग्री का एंगल. ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया. नॉर्मल को मैं डॉटेड लाइन से शो करूंगा. ये डॉटेड लाइन आ गई. क्लियर? अब यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना है इस साइड पे. ये शार्प होनी चाहिए. मेरी पेंसिल शार्प नहीं है. बेटे इसको शार्प करें, जरा शार्प करें. अच्छा जी, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये इमरजेंट रे जो बाहर निकल के जा रही है. यहां पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया 90 का एंगल. नॉर्मल ड्रॉ हो गया इस पॉइंट के ऊपर. रे के ऊपर आपने एरोज लगाने हैं. इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे इस तरफ से आ रही थी तो ये कौन सी रे है? इमरजेंट रे. ये रिफ्रैक्टेड रे, ये इमरजेंट रे. ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है एंगल आई और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है एंगल आर विद नॉर्मल. दोनों इक्वल नहीं है. रिफ्रैक्शन में दोनों इक्वल नहीं होते, रिफ्लेक्शन में इक्वल होते हैं. अब रिफ्रैक्शन में देखें, आप रे ऑफ लाइट आ रही थी, इसको स्ट्रेट जाना चाहिए था. कैसे जाना चाहिए था बच्चे? स्ट्रेट. यानी अगर ये आ रही थी, मैं डॉटेड लाइन लगाऊं तो इसको स्ट्रेट जाना चाहिए था. स्ट्रेट हो गई, ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ऐसे नहीं हुआ.
बल्कि ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, बेंड हुई है नॉर्मल की तरफ। ये रेयर मीडियम था जिसकी डेंसिटी कम थी, ये डेंसर मीडियम है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम रेयर मीडियम एंटर्स इनटू डेंसर मीडियम इट मूव्स टुवर्ड्स नॉर्मल, कितनी मूव हुई है, यहां से जाना चाहिए था, ये मूव हुई है। कोई डाउट जी? अब आप बताएं कि यहां पे आप कहां से डेंसर मीडियम से कहां आ रही है, रेयर में, अब वो नॉर्मल से अवे मूव की है, अवे मूव की है। आपको यहां से लाइट, जब आप इधर आई रखेंगे तो लाइट यहां से नजर आएगी। आपसे पूछा जाएगा कि वो कितना डेविएट हुआ है, तो आपने ये डिस्टेंस भी मेजर करना होगा, यहां पे वो ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगी। एनी क्वेश्चन? एंगल आई देखते हैं, एंगल आई कितना है, नॉर्मल के साथ आपने प्रोटेक्टर रखना है और एंगल मेजर करना है। एंगल आई है 35 डिग्री, कितना है 35 जी। अब इसकी वर्किंग क्या होती है, सबसे पहले एंगल आई देखते हैं 35 डिग्री, अब एंगल आर देखते हैं। एंगल आर कैसे देखेंगे, नॉर्मल के साथ हम रखेंगे इसको प्रोटेक्टर को, इसको जरा फोकस करें, प्रोटेक्टर रखना, कितना बन रहा है भाई 20 डिग्री, कितना हो रहा है 20, एंगल आर 20 डिग्री। अब आप साइन आई निकालें, साइन एंगल आई 35, साइन 35 निकालें कैलकुलेटर से, साइन जी साइन 35, आप बता सकती हैं बेटा मैं साइन क्यों क्यों यूज कर रहा हूं, नहीं बता जी, 0.57 साइन आर निकालें, 20 0.34 ये है कि इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर में जो रेशियो होती है वो कांस्टेंट होती है, उसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का है वो 1.4 से 1.6 तक आंसर आता होता है हमारा, वेरिएशन हो सकती है जी। अब आप इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करें, डिवाइड करेंगे 0.57 डिवाइडेड बाय 0.34 1.6 जी हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये बात प्रूफ करती है कि हमारा एक्सपेरिमेंट ठीक है, लेकिन अगर ये शार्प पिंस होती, शार्प पेंसिल होती और पिन बिल्कुल स्ट्रेट होती तो वो हमारे पास जो एरर आ रहा है पैरेलेक्स एरर टाइप के वो जीरो हो जाते। इसको फोकस करें, इसमें कोई क्वेश्चन? आप बताएं स्नेल्स लॉ क्या है, इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल आई एंड एंगल आर इज नॉट ऑलवेज इक्वल, इक्वल तो नहीं होने, क्यों कि लाइट क्या करती है, रिफ्रैक्ट करती है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है मीडियम का वहां लाइट क्या होती है, बेंड होती है। तो साइन आई और आर इक्वल तो नहीं हो सकते, तो कांस्टेंट क्या होती है, रेशो, कौन सी रेशो, साइन एंगल आई और साइन एंगल आर, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। और ये जो कांस्टेंट रेशियो है इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक और डेफिनेशन भी है। ये तो रेशियो हमने एंगल के लिए है, हम रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम भी ले सकते हैं, क्योंकि स्पीड किस पर डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है। एनी डाउट? तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं प्रोजेक्टर के ऊपर, आई होप आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लियर हो गया होगा। Of light through prism and we are going to find the angle of deviation. Okay, have a look. सबसे पहले prism रखना है हमने, prism की ये base है, मेरी तरफ है, ये मैंने इसकी boundary लगा दी ताकि precautionary measures के लिए, ताकि during practicals मेरा जो है board अगर हिल जाए, ये scale से हमने proper करना है तो मैं इसको proper कर सकूं जी। okay हो गया, मैंने ये बेस है मेरी, मैंने इसके ऊपर दोबारा प्रिज्म रखा, मैं एक स्लेंट लाइन लगाऊंगा जो मेरे आपके पेपर में यहाँ पे दो पिन बनी होगी और आपने उससे लाइन लगानी होगी। एक मैं स्लेंट लाइन लगा लेता हूँ, ये मेरे पास है इंसिडेंट रे, यहाँ से लगाएं वहाँ से लगाएं आपकी मर्जी है, ये इंसिडेंट रे आ गई, ये इंसिडेंट रे है, इसके ऊपर दो पॉइंट्स बनाऊंगा मैं, कॉमन पिन लगाऊंगा दो जगहों पर इंसिडेंट रे,
कॉमन पिन इस लाइन के ऊपर होंगे तो वो शो करेगा कि लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज रे ऑफ लाइट। मेरे पास रे ऑफ बॉक्स ना हुआ तो मैं ऑप्टिकल पिन्स यूज कर सकता हूँ, ये ऑप्टिकल पिन्स हैं रे ऑफ लाइट को डिनोट करने के लिए, ये ऑप्टिकल पिन्स हैं। अब मैंने इन पिन्स का इमेज वहां से देखना है और वहां से देख के मैंने स्ट्रेट लाइन में और कॉमन पिन्स लगाने हैं, ऑप्टिकल पिन लगाने हैं ताकि जी मेरे पास इमरजेंट रे आए। इनका इमेज देखना होगा मुझे, यहाँ से लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लगानी है, पैरेलेक्स एरर का ख्याल रखना है वो नहीं होनी चाहिए जी। यहाँ से लाइन बिल्कुल मुझे नजर आ रही है दो पिन, इस साइड से मैंने उनकी स्ट्रेट लाइन में लगानी है पिन, ये मैंने स्ट्रेट लाइन में लगा दी ताकि वो पिन इनके पीछे हाइड हो। इसकी बेस स्ट्रेट होनी चाहिए, बेस स्ट्रेट नहीं होगी तो एरर आएगा। और प्रिकॉशनरी मेजर्स के अंदर हम ये बात कर चुके हैं कि बेस शुड बी स्ट्रेट और डिस्टेंस बिटवीन द टू पिन्स मस्ट बी अप्रोप्रिएट। ये लग गई पिन की जगह मैंने देख ली। इसके बाद आपने ये उठा लेना है, यहाँ पिन्स लगे होंगे और आपको बस इतनी सी फिगर गिवन होगी, हो सकता है ये लाइन भी गिवन ना हो, पिन्स की पोजीशंस गिवन हो, ठीक हो गया। आगे वर्किंग आप कर लेंगे। ये है इमरजेंट रे, पॉइंट से निकालना है, फोकस कीजिएगा बेटा, इमरजेंट रे ये आ गई। अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना है 90 का एंगल, 90 का एंगल बच्चे स्लेंट लाइन के ऊपर रॉन्ग ड्रॉ कर बैठते हैं, ये 90 का एंगल है, इधर भी 90 का एंगल ड्रॉ करना है लाइन के ऊपर बिल्कुल 90 का एंगल, ये 90 का एंगल है। पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन चेक करें क्या वो पूरे हुए हैं। रे ऑफ लाइट जब आई है रेयर मीडियम से किसके अंदर, डेंसर मीडियम की तरफ, तो क्या वो बैंड हुई है टू वर्ड नॉर्मल, बिल्कुल हुई है, टू वर्ड नॉर्मल बैंड हुई है। हमें कैसे पता चला कि बैंड हुई है, इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाएं डॉट लगा के, ये इंसिडेंट रे है, इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन वो यहां से बैंड हुई नीचे की तरफ, ये इमरजेंट रे है, कितनी बैंड हुई वहां से, इसको हम डॉट लगा के पीछे करेंगे तो ये है एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन, ये जो एंगल आ रहा है ये एंगल ऑफ डेविएशन है, इसे एंगल डी से डिनोट करते हैं, कोई डाउट। तो इसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू 36 टू 41 तक आती हैं, 39 टू 41 तक बहुत अच्छी होती है, 36 भी कुछ क्वेश्चंस के अंदर दी जाती है। ये एंगल ऑफ डेविएशन क्लियर, ये कौन सा एंगल है, एंगल आई, ये कौन सा एंगल है, एंगल आर, दोनों की रेशियो आप फाइंड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 1.4 टू 1.6 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एंगल ऑफ डेविएशन मेजर कर लेते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कैसे मेजर करेंगे, ये एंगल देखते हैं कितना आंसर आना चाहिए, 36 ना 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 36 टू 41, देखे जरा आंसर कितना आ रहा है, एक मिनट, ये जी ये 43 के करीब आ रहा है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप एंगल ऑफ डेविएशन ही फाइंड कर सकते हैं, इसको आप चेक करें, फोकस करें। और अब हम इनका प्रेजेंटेशन देते हैं, सर प्रेजेंटेशन में बहुत बॉक्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेयर से डेंसिटी में ज्यादा तो एक किसका बेंड हो गया, ये समझ जी। देखें मेरे पास है क्वेश्चन, क्या है आपका जी, ये बेटे अब मैं इस फिगर को देखें, ये है इंसिडेंट रे, इसको जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे जाना चाहिए था ना स्ट्रेट, लेकिन वो कहाँ चली गई, ऐसे बैंड हो गई। तो इसका नॉर्मल कहाँ है, ये नॉर्मल है इनसाइड द डेंसर मीडियम, ये नॉर्मल की लाइन है, ये जो 90 डिग्री के, हाँ जी, ये वहाँ से कहाँ आई है, यहाँ आई है नॉर्मल की तरफ। अब ये देखें बाहर नॉर्मल कौन सा है, ये वाला है ना, इसे कैसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, अब ये नॉर्मल से ज़्यादा दूर चली गई है। एनी डाउट, क्लियर क्लियर बच्चे। वेल स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हमने रिफ्लेक्शन भी पढ़ लिया, रिफ्रैक्शन भी पढ़ लिया, अब आ रही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। दिस इज सेमी सर्कुलर ग्लास स्लैब, सेमी सर्कुलर ग्लास स्लैब आ गई, प्रैक्टिकल स्टार्ट करने का तरीका, इसके मिड पॉइंट में आप एक पॉइंट लें, मिड से, ये मिड है, यहाँ पॉइंट बना दिया,
इसके ऊपर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें, मिड में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। अगर रे ऑफ लाइट स्ट्रेट आएगी इस पॉइंट के ऊपर, लेट्स सपोज 90 के एंगल पे आएगी, तो विदाउट एनी डेविएशन वो स्ट्रेट पास होगी। ये बात पढ़ा है हमने, ये बात पढ़ी है, स्टडी की है हमने, और मैंने आपको बताया है कि पॉइंट के ऊपर हमने किस तरीके से एंगल मेजर करना होता है। लास्ट टाइम जब हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे तो कंफ्यूजन आ रही थी कि कैसे कैसे एंगल होता है, मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, मैंने पॉइंट ऑफ इंसिडेंट भी ड्रॉ कर दिए। अब होता क्या है बेटा, ग्लास स्लैब को यहां रखते हैं,